Hi, good morning, everyone. Welcome to the daily newspaper analysis for 3rd of March. Welcome, everyone, to the newspaper analysis of the Hindu and the Indian Express. Though we have some news from uh, Financial Express also today, but uh, a very warm welcome. Hi, guys, good morning. Good morning, good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Uh, yeah, we'll just start in two minutes. Actually, there's some whitewashing work going on um, at my place, so because of that, you know, that's a and issue.

तो आज हम कम्पेरेटिवली फ्री फॉर ऑल योर डाउट्स तो अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आज यू कैन रीच आउट टू मी आई जस्ट है स्पेशल क्लास एट एट पी एम तो कल स्पेशल क्लास इसलिए नहीं ले पाया बिकॉज आई गॉट फ्री वेरी लेट एंड देन मैंने बताया ना टेक्निकली मेरा ऑफ ऑफ होता नहीं है कुछ ना कुछ उसमें रहता ही रहता है काम कुछ ना कुछ होता रहता है But anyway, so daily motivational quote for today is your imagination is your preview of life's coming attraction. See, both, a lot of times what happens is uh, whatever we are thinking and whatever we are, uh, you know, uh, is happening is is because of what we are imagining. So your know, imagination power is stronger. strong and Albert Einstein always used to believe in this. What you imagine is, you know, motivates you and glides you to that path. तो आप जो इमेजिन करते उसको बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं सो वॉट और आई थिंक आप में से काफी लोगों ने चीज़ को पर्सनली भी फील किया होगा कई बार आप इफ यू हैव पॉजिटिव इन अ डे ना आप देखना आपके हमेशा साथ यू हैव पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू अब अगर आप कुछ नेगेटिव सोचोगे ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो हो ही जाता है इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग हम लोग शायद इसको रियलाइज नहीं करते बट इट डज हैपन एंड डज टेक प्लेस लाइक दिस सो पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए चलिए तो दीज आर दी न्यू कोर्सेज दैट आर गोनी बी कमिंग इन मार्च सो कोर्स है दैट विल स्टार्ट प्रॉब्ली आफ्टर टेंथ ऑफ मार्च एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल भी है uh, सोशलॉजी so, ऑप्शन है इंडियन पॉलिटी है दैन सोशी ऑप्शन में पेपर टू में लेक्चर्स एड होने एंड दैट इज वॉट हैज टू बी सोटेड सो इंडियन पॉलिटी एंड कोर टॉपिक्स का एक कोर्स है जिसमें हम लोग पूरे कंप्लीट प्रिलिम्स uh, के लिए रिविजन करेंगे कोर टॉपिक्स इज अ कोर्स जिसमें क्या होता है कि जितना भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे चाहे वह हिस्ट्री हो पॉलिटी हो इकानमी जोग्राफी हो economy, उसको हम लोग बोलते सेवन फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोर्स दट इज ऑल्सो कौन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मार्च मार्च बेसिकली मिड ऑफ मार्च अराउंड ट्वेंट मार्च के आसपास स्टार्ट होगा बाकी दी सर सब न्यू बैचेस आज से चालू हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है थर्ड ऑफ मार्च है आज पाथवेज टू क्रैक यू पी एस सी मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड मार्च की एक लेक्चर है जिसमें आप देखेंगे बैच स्टार्ट हो रहा है देन एक्सपर्डिशन बैच है जो इंग्लिश में है देन दिस वन बैच इन कम्पलीटली इन हिंदी देन यू कैन ऑलसो टेक सब्सक्रिप्शन फॉर एनसीआर बैचेज और चाहो तो आप ऑप्शनल के भी ले सकते हो कम सेपरेट ऑप्शन भी ले सकते हो कम्बाइंड जी एस प्लस ऑप्शन भी ले सकते हो दैट्स अप या तो आइकॉनिक में लो आप या प्लस में लो आइकॉनिक में यू गेट योर एडिशनल मेंट और द कोड इज डीपीएस पी लाइफ वंस यू डू दैट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन डी सिंग टू सेवन चलिए तो इन सब के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे पहले स्टार्ट विद आउट टॉपिक फर्स्टली आज बहुत इंपॉर्टेंट है आज ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज मार्च थर्ड एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे सबको लिंक दैट सर इज लाइव सो दैट एवरीबडी एल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन एंड दीज फायर जो हमने Uh, कल इसके बारे में थोड़ी बात की थी बट तो आज थोड़ी इंसाइडर इंफॉर्मेशन भी है इसमें मतलब इनसाइडर तो नहीं है मतलब जो आर्टिकल है वो है उसके अलावा आई गिव यू माय इनपुट्स ऑन दैट सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो थर्ड मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑन जो अफेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को इस बार की थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट तो यू एन जी ए ने बीस दिसंबर दो हजार तेरह को सिक्सटीथ सेशन इनका उसमें डिसाइड किया कि थर्ड मार्च को ये लोग अडॉप्ट करेंगे कन्वेंशन ऑन जो आपका जिसको हम बहुत फेमसली साइट्स बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है तो साइट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है उसी की बेसिस पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज इज सेलिब्रेटेड एंड ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी है टू सेलिब्रेट द मेनी ब्यूटीफुल एंड वेरी फॉर्म्स ऑफ फोना एंड फ्लोरा वैसे अगर आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए तो आई कैन शो यू वन फोटो फ्रॉम यस्टरडेज मीटिंग आई थिंक आई शेयर दैट विद विद द टीम बट आई थिंक आई कैन शेयर विद ऑल ऑफ यू बिकॉज इट्स स्लाइटली डिफरेंट मतलब ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं है बट आई होप इट 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 डज हेल्प यू आउट बट गुड मॉर्निंग एज गुड मॉर्निंग एक बार बाकी लोग आ जाए उसके बाद हम लोग देखते हैं उसको तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल और आ, एक सेकेंड

अग्रीमेंट्स uh, हैं उनके बेसिस पर शायद लो, लोगों को ज्यादा पता नहीं होता तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्शन लिया है समझाने के लिए आप लोगों के लिए क्योंकि वही सिर्फ जो था इंपॉर्टेंट था बाकी इतना कोई खास नहीं था देन देर वॉज अनदर आर्टिकल ऑन यूरोपियन यूनियन एन इंडियाज रिलेशन तो उसे हमें देखना है तो पहली चीज ये कि वाई दिस सीज फायर इज सिग्निफिकेंट मतलब इतनी बात क्यों हो रही इसके बारे में उसका एक रीजन ये है क्योंकि यहां पे एक तो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है इसका जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दोनों के इंडिया के के इंडिया और पाकिस्तान के। इसलिए पहली बात तो ये बहुत रखता है नाइट ऑफ फेब्री ट्वेंटी स्पेसिफिक इन्होंने बोला कि इस दिन से हम लोग जो है सीज फायर को इम्प्लीमेंट करेंगे चौबीस फरवरी से पच्चीस फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और कंबाइंड एक तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस था यहां से इंडिया की हुई वहां से वहां की हुई बीजेएमओ की कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक तरीके से दोनों साइड से ये हुआ जनरली ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है तो इसलिए माना जा रहा है कि दोनों लोग इस पर स्टिक करेंगे दोनों लोग क्या हम तो क्या ही करते हैं पहले चालू करते हैं गोलाबारी वो लोग लो वहां से तो फिर जवाब जवाब देना पड़ेगा जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है सो दैट इज वाई अच्छा भाई दे कितने लोगों का बर्थडे आज आयुषी का तो आई रिमेंबर दैट इट्स इट्स बर्थडे आयुषी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू Uh, from my side and the entire team, anybody else having a birthday? Wishing you all a very, very happy birthday from my side. Be safe. Take care of yourself. And I wish you all the best that you people crack the exam and make us proud and make yourself proud more than that. So, uh, <clears throat> yeah, it's Jamsej Tata, you know, Jamsej Tata's also birthday today. That is true. सो द फर्स्ट रीजन इज दैट एक तो स्पेसिफिक है दोनों ने साथ में किया है अब ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज uh, ये जो मिलिट्री मेजर्स बाय इंडियन पाकिस्तान इन ओवर 18 इयर्स टू रिड्यूस वायलेंस एल ओसी इंड कश्मीर ये उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है 18 साल से ही चलता आ रहा है ठीक है सीज फायर वायलेशन वहां से शेलिंग चालू हो जाएगी यहां पे हमारे सोल्जर्स uh, को लग जाएगी तो उस पर हमें फिर जवाब देना पड़ता है सो so, अब ये इसलिए भी है क्योंकि आप सोचो कि लगभग पांच हजार सीजारीजार वायलेशन हुए हैं दो हजार बीस बीस में और ये हाइएस्ट है लास्ट नाइनटीन ईयर्स में तो इस वजह से ये बहुत सिग्निफिकेंट है तो अब अगर हम इस, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान सीज फार पैक्स एंड वॉर टर्मिनेशन अग्रमेंट इन बहुत कॉम्प्लेक्स एंड इंस्ट्रक्टिव पहला जो कराची अग्रीमेंट है नाइंड मैं यहाँ साइड में, में लिखता जाता हूं ताकि आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए इजी रहे तो कराची जो है अग्रीमेंट बाकी इसका टीम माइंड मैप दे देगी दे इसका आप टेंशन मतलब इसका ना माइंड मैप हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल वाइज दे देगी दे टीम जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा सो डोंट वरी अबाउट दैट इट विल बी हेल्पफुल नोट करना है तो आप कर सकते हो अभी बाकी साथ में आपको माइंड मैप मिल जाएगा सो so पहला जो था कराची अग्रीमेंट था 1949 में विच एंडेड द फर्स्ट वॉर बिटवीन न्यूली फॉर्मड इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम में लड़ाई चालू हो गई थी और ये पहला सीज फायर अग्रीमेंट था अगर आप देखोगे दोनों देशों के बीच में एंड उसके बाद आप देखोगे तो यूएन ने इंटरवीन करा एंड यूएन ने क्या बनाया सीएफएल बनाया सीएफएल क्या यह दिस वॉज द लाइन ऑफ सीज फायर लाइन जिसको बाद में एलओ सी कर दिया गया दिस सी एफ एल वॉज मॉनिटर्ड बाई यूएन फोर्सेस तो वहां पर यूएन की मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था जो यहां मॉनिटरिंग करता था कि दोनों तरफ से कोई फायरिंग वायरिंग का इंसिडेंट ना हो तो सी एफ एल बोला करते थे हम लो पहले लोग पहले एलओ सी को सो so वॉर हुआ उसके बाद फिर नाइनटीन सिक्सटी फाइव वॉर के बाद इंडिया पाकिस्तान एंडेड एंडेड यू नो दैट अगेन द द सीज फायर बट सिंस स्टैटस को एंटी बेलम यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बहुत अच्छा स्टैटस को एंटी बेलम इसका मतलब होता है मतलब स्टैटस को मतलब पहले जैसी सिचुएशन को रिस्टोर करना एंटी बेलम मतलब बिफोर द वॉर तो जब लड़ाई हुई थी तो उसके पहले स्टेटस को एंटी बेलम तो जैसा पहले था लड़ाई के वैसा उन्होंने स्टैटस को रिस्टोर कर दिया कंप्यूटर वर्ल्ड बहुत अच्छी बात है आप देखें लेक्चर और थोड़ा सीखें कि कैसे इसमें करना होता है चीजों को और साथ में अगर लगे तो अभी नोट्स की जरूरत है बस टॉपिक समझ ले हाँ जी हाँ अगर हैंड रिइट नोट्स बनाओगे आप तो अच्छा है थोड़ा बेटर रहता है नोट्स फ्टर सिक्सटी फाइव वॉर जब जंग छिड़ी उसके बाद स्टेटस को एंटी बलम किया गया जो वॉर के पहली सिचुएशन थी वैसा वैसा मेंटेन किया गया बट में चीजें चेंज हो गई सेवेंटी वन में नया देश निकल के आ गया बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान हट गया वहां से तो सेवेंटी वन चेंज दायरथिंग सीज फायर विच एंडेड द दिन वॉर वॉज इन श्राइंड इन टू द शिमला अग्रीमेंट जिसको साइन किया गया था जाके

वो बांग्लादेश का एज अ स्टेटस मिला एज अ सेपरेट कंट्री तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी जम्मू एंड कश्मीर विच रिजल्टेड फ्रॉम द सीज फायर ऑफ दिसंबर देर बाई रीनेमिंग दी एफ एल एज तो जो ये सी एफ एल है उसको हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया और ये एक्चुअली इंडिया का स्मार्ट मूव था क्योंकि इंडियन नेगोशिएटर्स ने इस नॉर्मन क्लेचर को चेंज करने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि यूएन का इंटरवेंशन ना हो पाए इसमें क्यों नहीं हो पाता क्योंकि यूएन के चार्टर में लिखा हुआ था जब साइन हुआ था कि उन्हें सी एफ एल मेंटेनिंग करनी है अब जब सी एफ एल ही नहीं रही सी एफ एल की जगह जब एल ओ सी हो गई आप समझो ना अम, अम, अमित शाह जी ने ऐसे थोड़ी सीखा है चीजों को क्रोनोलॉजी को चेंज करना तो अमित शाह जी ने थोड़ा बहुत यहाँ से सीखा है कैसे क्रोनोलॉजी चेंज की जाए तो सी एफ एल का नाम चेंज करके एल ओ सी करवा दिया इंडिया ने अब वो एल ओ सी जब हो गया यू <coughs> एन का रोल ही खत्म हो गया क्योंकि यू एन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का जो काम था वो था सी एफ एल पे पीस मेंटेन करना

तो अब शिमला अग्रीमेंट में नाम दिया गया एलओसी यूएन पार्टी है नहीं यूएन इंटरवीन कर नहीं सकता तो पहले ये मल्टीलैटरल इशू से मतलब ये मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती थी अभी बायलैटरल इशू हो गया तो इंडिया ने बड़ी स्मार्टली इसको कर दिया बायलैटरल रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में आ गया तो ये चीज हुई थी सेवेंटी वन में और सेवेंटी टू जब शिमला अग्रीमेंट साइन किया गया तो ये एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीजीएमओ कम्युनिकेटेड थ्रू टेलीफोन कॉल बिटवीन बिटवी रिटरेशन ऑफ डिस दो हजार तीन में हुआ था दोबारा से hmm. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी और जो नॉमन क्लेचर चेंज हुआ उससे सारा गेम चेंज हो गया गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग सो जो कराची अग्रीमेंट था पहला वाला जो पहला सीज फायर था 1945 फोर्टी फाइव वाला उनइनटीन फोर्टी नाइन में साइन किया गया था आफ्टर द 1945 फोर्टी फाइव एन पार्टीशन वॉर नाइनटीन वाला फाइव फोर्टी वाला जो कराची कराग्रीमेंट था उसमें क्लियरली प्रोविजन लिखे हुए थे कि सी को कैसे मेंटेन करना है बेसिकली जो पहले लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ करती थी विच वॉज ओवर टेकन बाय दिनिकली देर फॉर आर्म फोर्स डिप्लॉय ऑन ईदर साइड ऑफ द एलोसी इन कश्मीर ऑफन टू रिजॉर्ट टू स्ट्रिकर स्ट्रिक्चर्स एनशाइंड इन दी लॉन्ग डिफंग कराची अग्रीमेंट टू ऑब्जर्व मैंडेटेड बाई द शिमला अग्रीमेंट तो अभी क्या है कुछ अब वही चीज को बिल्डअप ऑन करने की जरूरत है और उसको चेंज करने की जरूरत है तो अब जो इसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है हाँ एक्चुअली में ये भी था कि वो पाकिस्तान के साथ हमने ना बड़ी स्मार्टली उसको नेगोशिएट कर लिया सी एफ एल को एलओसी करवा दिया तो ये उसको मल्टीलैटरल जगह ले नहीं जा सकते अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो है बैक चैनल डिप्लोमेसी का जिसमें रॉ मिली हुई है रॉ का काम है आए पीछे से इनको बहुत सारी चीजें सही करने का बलुचिस्तान से लेके बहुत सारी चीजें मैं हिंट देता रहता हूं आपको वट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू नोट अबाउट द सीसार एग्रीमेंट बिटवीन द टू डी जी एमओ इज दिस नॉट मंथ्स ऑफ हाई लेवल कॉन्टैक्ट एंड बैक चैनल डिप्लोमेसी वॉज एंगेज सो इंटरेस्टिंगली इंटरेस्टिंगलीउजेंड थ्री सीसार वॉज ऑल्सो प्रीसीडेड बाई डिस्क्रीट पार्लेज बिटवीन द हेड्स ऑफ आई एस आई एंड दॉ The 2003 CFA led to a sustained period of back channel talks on Kashmir, which by mid 2000 had almost finalized a deal by resolving the Kashmir conflict. तो इन्होंने मतलब इन्होंने भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली होगी तो इनकी रिसर्च के हिसाब से ऐसा लगता है दैट 2004 से लेकर 2007 के बीच में बैक चैनल टॉक्स शोस हाउ डिस्क्रीट कॉन्वर्सेशन बिटवीन हाई लेवल इंटरलोक्यूटर्स अपॉइंट बाय द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट वर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस तो रॉ भी लगी थी रॉ के जो हेड हैं आई के जो हेड हैं ठीक है वो मिले वो मिलके बात कर रहे थे इस बारे में कि कैसे इसको खत्म कर सकते हैं डी उस पहले से ही बात कर रहे थे तो अभी जो आपको पिक्चर अभी पता चली है वो पिक्चर की शूटिंग पहले से हो चुकी थी ना सो <coughs> बैकग्राउंड so में द पिक्चर वॉज ऑलरेडी बींग क्रिएटेड फ्रॉम ऑलमोस्ट पास वन एंड हाफ ईयर्स तो रियलिटी मतलब जो दिखता है आपको वो अभी जनरली फॉरेन पॉलिसी में इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टाइम इंटरवेंशन तो ये सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है बट ये आर्टिकल इसलिए अच्छा था क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड अंडस्टैंड हाउस गॉट द नेम ऑफ एलोसी क्या अग्रीमेंट की हिस्ट्री रही है वो समझना इस आर्टिकल के लिए जरूरी था आई होप दैट इज क्लियर टू वेवीवन नेक्स्ट आर्टिकल वॉज ऑन द यूरोपियन यूनियन रिलेशन विथ इंडिया कैसे इंडिया रिकॉलिबरेट कर सकता है अपनी टाइज विद यू तो इसमें जो मेजरली इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउ यू नो इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड इंडिया को भी फायदा होता है यूरोपियन यूनियन को भी फायदा होता है विद ट्रेड बिटवीन द टू ग्रुप्स अगर बोले इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप एंड एज अ कंट्री क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमेशा एज अ सिंगल एंटिटी के तरीके से ट्रेड करते हैं यूरोप में अलग अलग कंट्रीज हैं बट उनके साथ हमारे सेलेक्टिव रिलेशन हैं बट मेजरली इट्स लाइक ए वन ग्रुप वो हैज ग्रुप सो इंडिया इज अमंग मेजर बेनिफिशरीज ऑफ जरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस विच एक्सपोर्ट्स अंडर द जी एस पी वैल्यू एट नियरली नाइन पॉइंट फोर बिलियन एंड ट्वेंटी आपको याद होगा जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरें ये आपका यू भी देता है क्ट बट यूएस के साथ खत्म हो गया था अंडर डोनाल्ड ट्रम्प बट यूरोपियन यूनियन के साथ अभी भी है तो वहां पे क्या होता है हमें थोड़े uh, uh, कह सकते हो रिलैक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सपोर्ट करने की चीजें मिलती हैं, उसको हम जीएसपी रेजीम बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंसेज देर आर सेवरल प्रोडक्ट्स वेर इंडिया हैज एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द यूरोपियन यूनियन बट दीज है ब्रिंक ऑफ ग्रेजुएशन अंडर दू जी एस पी प्रोडक्ट ग्रेजुएशन अपलाइज इम्पोर्ट्स एक्सीड सेवेंटी जीएसपी इम्पोर्ट्स एंड फ्रॉम ऑल द बेनिफिश कंट्री ओवर थ्री इंडिया टेक्सटाइल इनऑरगे एंड ऑर्गेनिक केमिकल जेम्स एंड ज्वेलरी बेस मटेर आर ऑलरेडी आउट ऑफ दिट ऑफ ई जीएसपी बेनिफिट्स देखो इसमें ना जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है आर्टिकल में ये है किसी भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को जीएसपी का फायदा मिलने के लिए जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेस का बेनिफिट मिलने के लिए एक सर्टेन लिमिट तक ही एक्सपोर्ट अलाउड होता है तो अब जैसे इंडिया ने लगभग सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट अगर एक्सीड कर दिया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट का तो उसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का फायदा नहीं मिलेगा ठीक है तो वो उसका इनका ये फायदा नहीं मिलेगा इस चीज का तो इसलिए अभी क्या है कि हमें रिकॉलिब्रेट करने की जरूरत है टाइज बिटवीन यू नो ईच वन ऑफ अस और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसको लेके Uh, हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री से वो प्रोडक्ट जो है आपका सत्रह पॉइंट पांच परसेंट से ज्यादा एक्सीड कर जाए एक पर्टिकुलर तीन सालों में उसकी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी तो फिर जीएसपी के अंदर फायदा नहीं मिलता तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के जिनको शायद फायदा नहीं मिल पाएगा अंडर जीएसपी तो इसलिए इंडिया को जो इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको वर्कआउट करना है सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू यू यूर वैलिड एट सेवन बिलियन इन ट्वेंटी ऑफ विच नियरली नाइन्टी फोर अंडर दिस जीएसपी इंडियाज इनपोर्ट बांग्लादेश वुड कंटिन्यू टू रिसीव बट इंडिया को नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया इसके बाहर निकल जाएगा श्रीलंका एंड वियतनामदेटर इज वियतनाम दे ऑल्सो कंक्लूडेड अग्रीमेंट विद यून ट्वेंटी उन्हें सस्ते में मिलता है अभी इंडिया का क्या है यूरोपियर के साथ नेगोसिएशन चल रहा है हमने लास्ट टाइम बात कीट्रल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को लेकर इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो इंडिया ने खत्म कर दिया था अब फिर से रीनेगोशियट हो रहा है 2007 से सो so, इंडिया का जो कॉशियस अप्रोच है टू दी फ्री ट्रेड अग्रमेंट डिराइज फ्रॉमस एन अनुल एक्सचेंज ऑफ बेफिट दे शुड ऑल्सो भी प्रोविजन सजेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन टैरिफ मेजर्स चाइना हैजरेडी नेगोशियटेड अम्प्रीएंसिव अग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिया को अब क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट जो है उनकी एक्सपोर्ट की जो है जो चीपर एक्सपोर्ट करने का जो हमें बेनिफिट मिलते थे वो एक तरीके एक 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 के एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट खत्म हो जाएंगे तो इसमें ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश एंड वियतनाम विल टेक एडवांटेज तो इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी यूरोपियन यूनियन से हमें ये बायलेट्रल ट्रीटी इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट या जो बायलेट्रल अग्रीमेंट है उसको रीवर्क करना पड़ेगा ऋषभ वही मैंने बताया प्रोडक्ट ग्रेजुएशन मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सत्रह पॉइंट सेवनटीन सत्रह पॉइंट पांच प्रतिशत से ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है उसकी क्वांटिटी बेनिफिशरी कंट्री एक्सीड सेवेंटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द इम्पोर्ट्स हो गया उसका ग्रेजुएशन मीन हायर कैटेगरी में चला गया ग्रेजुएट यू ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट मीन की उसका नंबर एक्सीड कर गया है. तो एक सर्टन क्वान्टिटी ऑफ प्रोडक्ट ही आपके जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है समझ में आए So, जैसे मान लो इंडिया ने क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं आई टेल यू वर्ट प्रोडेक्ट ग्रेजुएशन इज जैसे तो ऑस्ट्रेलिया को तो टेक्निकली मिलेगा नहीं बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ अब जैसा इंडिया मान लो स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है इन्हें इंडिया ने इंडिया ने, इंडिया, ने, इंडिया ने सिर्फ कर दिया सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट चाइना ने किया लेट से चौदह परसेंट किसी ने किया तेरह परसेंट तो इंडिया को इसके बाद बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये तीन साल तक होना चाहिए अगर तीन साल तक कंटिन्यूअसली इंडिया ने सेवनटीन पॉइंट फाइव परसेंट से ज्यादा इं, इनको इम्पोर्ट कर दिया स्टील मतलब हमने एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने इम्पोर्ट कर लिया तो हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा मतलब अगर हम ज्यादा एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही फायदा मिलेगा ना क्योंकि हम लोग जो यूरोपियन यूनियन है हमसे सस्ते दामों में खरीद रहे हैं कंपेरेटिवली हमें अच्छा प्राइस दे रहा है हमें सब्सिडी मिल रही है एक तरीके से एक्सपोर्टर्स को हमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि इंडिया से खरीदा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि यू कांट हंड्रेड एक्सपोर्ट दैट तो स्टील मान लो अगर हम एक्सपोर्ट करें यूरोपियन यूनियन को तो वो सेवनटीन से एक्सीड नहीं होना चाहिए इन द थ्री कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स अगर करेगा तो हमें उसका बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा फिर दूसरा और ये 17.5 इज कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज जो उसको एक्सपोर्ट कर समझ में आ गया सबको इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ग्रेजुएशन तो ये इंडिया का बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेके हो गया यूरोपियन यूनियन के साथ इस वजह से आप हमें उसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ चुकी है हमारी 17.5% परसेंट के बियॉन्ड कोमल तो जी को जरूरत नहीं पड़ेगी आप बस डीएनए देख लो नोट्स देख लेना उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी <coughs> बाकी जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो श्रीलंका में अभी हुआ है आपको याद होगा ना इस कंटेनर ये जो टर्मिनल प्रोजेक्ट था इसमें जो इंडिया जापान के साथ था इन्होंने कैंसिल कर दिया था लास्ट में चाइना के प्रेशर में मैंने बोला था अभी थोड़े दिन आप वेट करो आपको कोई अगर याद हो मैंने बोला था दस अब बस आप थोड़े दिन वेट करो आपको पता चलेगा अभी एक धमाका होगा श्रीलंका में और ये बोलेंगे कि वापस आ जाएंगे वट आई सेड हैज़ वट हैज हैपनड थोड़ा बहुत क्रेडिट आप दे सकते हो मुझे प्रोडिक करने के लिए इस चीज़ को लेके इफ यू रिमेंबर अभी बस अब और अभी so, uh, श्रीलंका क्योंकि पैसे थे नहीं क्या करें उधार लेना पड़ रहा चाइना से चाइना बोला भाई हम तो पैसे देंगे नहीं आपको इतनी आसानी से तो, जनरली ऐसा होता नहीं है बट दिस यू नो ड्यूरिंग

बट फाइनली इट इज बैक ऑन ट्रैक्ट बाकी इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी लॉन्च की गई है कर्नाटका ने लॉन्च की है एंड ये उनकी पहली मेड इन इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है बेसिकली टू रेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सेक्टर इन कंट्रीज फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइव ईयर्स अच्छा बाकी क्योंकि अब बात हो रही है तो मैंने कहा अभी काफ़ी लोग आ जाएंगे उसके बाद अल शेयर मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब बट मे बी अगर थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिल पाए तो बात अलग है बट uh, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है बट देन आई वॉज इन अटिंग येस्टर डे फॉर 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 वेरी लॉन्ग टाइम एंड समथिंग आई जस्ट वॉन्ट मतलब एक था मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को शेयर करूंगा बट आई ऑलरेडी शेयर विद द टीम येस्टे तो आई थॉट कि आप लोग के साथ भी कर देता हूँ माई जस्ट हेल्प यू पीपल विथ सम मोटिवेशन इन टूडे मॉर्निंग यार ये सही है लोगों का क्लास के बीच में टेलीग्राम कॉल करने लग जाते हैं जस्ट गिव मी मिनट डाउट देख लो आप डाउट इतने हैं बीच में कॉल कर लिया क्लास के बीच में मैं वॉइस को शट कर रहा हूं अभी तो शटिंग इट डाउन और ये भी नहीं पता कि नाम आ जाएगा पूरा क्लास के सामने अभी नंबर भी आ जाएगा एनी या सो ये जो है इसमें आइडिया इज टू क्रिएट अब्रोक्सीमेटली फिफ्टी थाउजेंड जॉब्स इन दी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में एंड बायोटेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेमी कंडक्टर्स मेडिकल डिवाइस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इन सब में बेसिकली करना है सो द आइडिया इज approximately you know to spend around 2 trillion dollars by 2025 ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू around अराउंड अराउंड कि लगभग टू ट्रिलियन डॉलर के स्पेंडिंग हो सकती है 2025 तक इस सेक्टर में और कर्नाटका हैज ऑलवेज बीन आइड आप देखो कर्नाटका बैंगलोर पूरा चेन्नई हैदराबाद ये पूरा साउथ इंडिया का जो रीजन है वो हमेशा से ही साइंटिफिक रिसर्च एंड आरएनडी के लिए हब रहा है <coughs> बिपुल बड़ा फेमस हो जाएगा बिपुल क्लास के बीच में एनी वे anyway, बाकी लोकसभा राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है अब ये आर एस टीवी नहीं हुआ करेगा आपको पता होगा लोकसभा टीवी था वो पहले राज्यसभा टीवी में मर्ज हो गया अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब ये हो गया संसद टीवी सो सो राज्यसभा टीवी है वो रन इज रन फ्रॉम रेंटेड पब्लिक प्रॉपर्टी नियर तालकोटरा स्टेडियम नाउ इसको मर्ज कर देंगे लोकसभा टीवी के साथ अब तो आपका एक सिंगल टीवी हो जाएगा पहले लोकसभा टीवी में अलग चैनल अलग प्रोग्राम आते थे राज्यसभा टीवी पे तो खैर आप जानते हो तो मिस्टर फ्रैंक फ्रेंक परेरा सो uh, so, वो आपके बिग पिक्चर लेते हैं सो रिसेंटली आई गॉट इन वी गॉट इन टच सो फिर हमने वर्कआउट किया सो आई गॉट इम टू द प्लेटफॉर्म अन अकेडमी में सो ही गॉट इन टच विथ मी विद ऑफ हिस समी आई थिंक नोन फ्रॉम ट्विटर उनसे मेरी बात हुई फोन पे सो देन वी प्लान एंड वर्क आउट कि चलो लेट्स टेक अ सेशन ऑन समॉब वी विल भी हैविंग मोहर सेशन विद इन वेरी नाइस गाय वेरी डिसेंट गाय प्रॉब्ली लुकिंग फॉर्वर्ड टू मोहर सेशन विद इन तो लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है अंडर द बैनर एंड रिटायर्ड ऑफिसर जो है सॉफी रवि कपूर उनको अपॉइंट किया गया सीईओ बहुत ही फेमस ऑफिसर है रवि कपूर जी <coughs> अच्छा तो इसके बारे में बात हो रही है तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा तो मोटिवेशन कुछ नहीं है आप आई जस्ट वेंट टू मीट द पुलिस कमिश्नर हैड सम वर्क ये हेट रेंज ऑफ इशूज सो जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन तो ये टॉप सीक्रेट फाइल है So, top तो टॉप सीक्रेट रहती चीजें इसमें तो यू कंट रियली डिस्कलोज एनीथिंग बट देन कैन बी अट ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू वंस यू गेट इन डू दिस सर्विस इन अ वे मतलब आई एम थ्रू डिफरेंट चैनल सो यू पीपल विल गेट अ चांस टू डू दिस सो जनरली दे डोंट गेट टू मीट सच हाई रैंकिंग ऑफिसर सो पुलिस कमिश्नर इज अ रैंक ऑफ डी जी पी तो वी मै सो वहीं पर थोड़ा टाइम लग गया तो दिस अ टॉप सी समथिंग रिलेटेड टू वट आई टीच सो माइंड भी समथिंग कमिंग अप फॉर यू पीपल ऑलसो दट इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शो यू पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस दट्स इज ऑफिस एंड दैट्स द टॉप सीक्रेट फाइल एनी वे दैट्स वन आइट वॉन्टेड टू शो यू मैं थोड़ा बहुत आप लोग को मोटिवेशन मिल जाएगा वो स्पेसिफिक फाइल होती है उस पर ऐसा बना रहता है चलिए तो बाकी ऑस्ट्रेलिया एंड कम्प्लीट्स वो जो भाई साहब बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है वो यहां पर रहे हैं कितने ही कमिश्नर्स और एस एस पी और डी आई जी आगे उनके ही वो जैसे नहीं होते है, अर्दली जिनको बोलते हैं टाइम बट दे आर द मेन पर्सन दे नो ईच एंड एवरी वन अगर आपको उन तक पहुंचना है ऑस्ट्रेलियन बोइंग कंपनी इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ फाइटर लाइक पायलटलेस जेट रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड बोइंग कंपनी ऑफ ब्राउन्स एट दे हैव कम्पलीटेड फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ ए पायलट लाइस फाइटर लाइक जेट लॉयल so, है इसका नाम इज द फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट दैट इज बिन डिड मैन्यो दिस फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेक्स इट फ्लाइटर लगभग ऑस्ट्रेलियन फोर्टी मिलियन डॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन्वेस्ट किया है बाकी साइबर वॉल्टियर प्लान विल क्रिएट सोशल डिस्टर्ड एमएचए ने <coughs> एक साइबर क्राइम वॉलंटियर आपको याद होगा <coughs> प्रोग्राम चालू किया था जिसमें बोला था कि आप लोग साइबर क्राइम को लेकर चीजों को रिपोर्ट कर सकते हो और आप मतलब अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई लगता है कि कोई ऐसा काम कर रहा है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो बट उसको लेके ये माना जा रहा है कि ऐसे ना हर कोई कुछ भी पोर्ट रिपोर्ट करता रहेगा आपकी किसी से लड़ाई होगी तो बोलोगे अरे ये इसने संदिग्ध एक्टिविटी करता जा रहा है तो दे कैन बी रिवेंज एंड हेटफुल थिंग्स ऑल्सो तो इसमें इसको लेके थोड़ा फ्लैग किया जा रहा है कि हो सकता है शायद प्रोबेबली पीपल माइट जस्ट मिस इट इट माइट क्रिएट मिसट्रस्ट एंड डिस्ट्रस्ट अमंग पीपल तो द प्रोग्राम विल इंक्लूड टू हंड्रेड साइबर अवयरनेस प्रोमोटर्स एंड फिफ्टी एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंग टू द आउट एंड द एम एच ए फ्रेमवर्स इज इट एम्स टू होल्ड रेगुलर कंसल्टेशन विद गवर्वेंट बॉडीज तो इसके बारे में हमने दो हफ्ते पहले बात की थी <coughs> बाकी मेडाकास्कर में बहुत ही जबरदस्त सूखा सूखाग्रस्त हो गया ड्रॉट हिट कर गया वहां पर और इंडिया एज यू नो की फर्स्ट रिस्पोंडर है इंडियन ओशन रीजन में तो एज अ पार्ट ऑफ द नेबरहुड डिप्लोमेसी हमने लगभग <coughs> थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ राइस एंड मोर देन वन लैक टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन एंड एस अटेर सो द्यूमानिटेरियन असिस्टेंस विल भी डिलीवर बाई द इंडियन नेवलशिप जलश्व जो है आ, ये इवोला मैडागाकर पहुंचेगा वहां पर इट विल कैरी आउट द्यूमैटेरियन असिस्टेंस तो इसके पहले भी आप देखोगे इंडिया ने हमेशा हेल्प किया है चाहे वो येमेन हो चाहे वो मेडाकास्कर हो चाहे वो सीशल्स हो चाहे मॉलदीव हो चाहे मॉरिशियस हो एज अ पार्ट ऑफ आर यू नो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडियन ओशन में फर्स्ट रिस्पोंडर का, का काम करें हेल्प करने के लिए बाकी साइंटिस्ट ऑफ नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है डिवाइस फॉर पेस्ट मैनेजमेंट तो आप देखोगे ये डिवाइस जो है Uh, इसको सोलर पावर डिवाइस यूज किया जाएगा इसको सोलर एनर्जी से उसका so नाम है ऑल्टरनेट एनर्जी लाइव ट्रैप ए तो क्या होते हैं आपके जो पेस्ट होते हैं ना लाइट से अट्रैक्ट होते हैं जैसे मौत होता uh, like, you know, रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है ऐसा बनाया है उसमें ट्रैप हो जाएंगे सो दस फार्मर्स विल आइडेंटिफाई द इनसेट टाइपली लक इन द फील्ड एंड ऑल्सो मैनेज दम सो ये ऑल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रेप है so, इसमें एक लाइट ट्रैप यूनिट है In order to track flying insect, it also has a collector unit with a light trap unit for receiving the leaped insect into the light trap. Eco-friendly, economical hai aur India-based innovation aur aur isse better kya chahiye बाकी army इंट्रक करेगा लगभग 6,000 new light machine guns from front line troops. तो ये आपकी जो इजरायल से procure की जाएंगी and these are part of 16,497 Negev LMG. अच्छा इन Negev कोई बता सकते हैं Negev कहाँ से नाम पड़ा हुआ है? ये जो जो ये light machine guns हैं Negev ये इजराइल से आएंगी तो ये नेगेव जो नाम पड़ा है नेगेव डेजर्ट है इसराइल में रेड सी के पास तो वहां पे नो आई एम नॉट नो लॉन्गर एट नेक्स्ट आई डोंट टेक क्लासेस देयर सो ड्यूरिंग लॉकडाउन आई शिफ्टेड कंप्लीटली टू वन अकेडमी गेस्ट लेक्चर्स बाई आई टी एंड आई एम्स मतलब वो जो कॉलेजेस में होता है वो चीज है मतलब ऐसा कुछ नहीं है बट मोस्ट नाउ आई एम लाइक एक्लूसिव टीचिंग फॉर एन अकेडमी ओनली एट एकेडमी नोवेर एल्स टाइमिंग कहा है सर अभी ये ऐसी मीटिंग्स होती रहती है वो कहां पे हो पाएगा नॉट पॉसिबल देन ग्लोबल बायो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड सो यून मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनोग्रेट किया है सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो दिस इज अ थ्री डे इवेंट विच विल भी ऑर्गनाइज फ्रॉम मार्च फर्स्ट टू मार्च थर्ड अंडर द थीम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव अलॉन्ग विथ टैग लाइन बायो साइंस टू बायो इकोमी तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इन्वेस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल उन्होंने इसको ऑर्गनाइज किया है बेसिकली एम है टू प्रोवाइड इंडिया द रिकोगशन ऑफ इमर्जिंग इनोवेशन हब किस सेक्टर में बायोमैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो so वैसे भी आप देखो बैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया वैसे ही बहुत आगे उसी को और प्रमोट करने के लिए आगे

पैटागोनियन पैटागोनियन डेजर्ट है वहाँ पे मिला, <clears throat> Singh, हाँ जी, ये आपको इसके अलावा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसका कंपाइलेशन भी मिल जाएगा नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल तो स्टेटेड दैट द रिप्रेजेंटेड अ डायनासोर स्पीशीज नेम्ड एज निंजा टाइटन जपताई निंजा नाम का डायनासोर था ये जो पीरियड में रहता था सो अकॉर्डिंग टू रिसकी लेंथउटी फाइव फीट सो निज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनासोर्स फॉसलैट इज बिन डिस्कवर्ड इनटीना नाम, तो नाम इज निजा नाम में निजा है वैसे डीजर जो और ये टाइटोनोसोर जो हैं ये लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटिंग वेराइटी ऑफ डायनासोर्स थे स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स थे टाइटोनोसोर अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअली ऐसे होते थे कुछ ये टाइटोनोसोर है समथिंग लाइक दिस सो दे वेरी लॉन्ग नेक एंड दे हैड these पिलर लाइक लेग्स आपने बहुत सारे कार्टून में कभी देखा होगा इसको सो so ये टाइटना सोर्स व लाइक दिस ठीक है तो इंडिगो की फ्लाइट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी फ्रॉम शारजा टू तो लखनऊ जा रही थी उसको डाइवर्ट किया गया कराची तो आप देखो अब हमारे बीच में रिलेशन थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं और डीजेमो ने अग्रीमेंट साइन किया है तो उसको फिर कराची में डाइवर्ट किया गया पाकिस्तान एयर स्पेस में अलाउ किया गया क्योंकि तो वैसे जनरली रिस्ट्रिक्टेड होता है अलाउड नहीं है अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाकी पाकिस्तान और कतर ने एल एन अग्रीमेंट साइन किया है लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर तो ये सिग्निफिकेंट है बिकॉज द जो जो प्राइस दी गई है वो थोड़ी सस्ती दी गई है पाकिस्तान को तो इट विल्प इन सेविंग अराउट थ्री हंडियन क्वार्टरली टूवर थ्री हंड थ्री बिलियन डॉलर इन टेन ईयर्स मेजरली आप देखोगेड नेचुरल गैस में मीथेन होती है मोस्टलीस अलॉन्ग विदिक्स इसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है सो पाकिस्तान विल पे अराउंड थ्री हंड्रेड सिक्सटीन मिलियन डॉलर लेस दैन दायर अग्रीमेंट तो उनके लिए थोड़ा अच्छा है उनकी बेचारी वैसे इकोनमी जो है uh, थोड़ा उनको मतलब कंसेशन टाइप दे हमने तो कोई जरूरत नहीं है सर मैम ने आपके बारे में अन क्लासेस में बोला है कौन सी मैम ने बोला है सर हमें तो पता ही नहीं कौन सी मैम के बारे में बोला है अमृतम कौन सी मैम ने बोला है यहाँ पढ़ने की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कुछ और उसके अलावा हिमालयन शेवरों को स्पॉट किया गया असम में ये जनरली हिमालयन रीजन में आप मिलते हैं ठीक है वेस्टर्न हिमालय में पहली बार इनको स्पॉट किया गया है कभी कभी इनको अरुणाचल में देखा जाता था बट मोस्टली नाउ इट इज इंटरेस्टिंग दैट दे हैव कम डाउन टू असम वैली सो हिमालयन मैमल है समवेयर बिटवीन अ गोट एंड एन एंटीलोप इट्स इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन इन बिटवीन सो द एनिमल हाई ऑल्टीट्यूडर फाउंड टू थाउजेंड टू फोर थाउजेंड मीटर्स की हाइट में मिल रहा है तो ये जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान में अ कंटीज बाउंड्री विथ इंडिया वहां पर इसको स्पॉट किया गया और उसके साथ आप देखोगे वाइल्ड डॉग जिसको हम ढोले बोलते हैं ढोले तो ये भी स्पॉट किए गए ढोले और वाइल्ड डॉग इन फेब्रुवरी बर्डर्स एड साइटेड द कलर फॉर मैंडेरियन डक अभी हमने उसकी फोटो देखी थी बड़े रेनबो कलर वाली डक थी उसको भी स्पॉट किया गया सामने खोवा के पास तो उसको एक सौ अठारह साल बाद स्पॉट किया गया आपको याद होगा देन इसको भी अभी स्पॉट किया गया जंगली ऊपर मिलते हैं जैसे नीलगिरी टार है ना आपको नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं वैसे ये भी जो है ये आपके ऊपर मिलते हैं लेकिन अभी ये थोड़े नीचे आ गए हैं सो so, काफी टाइम बाद इनको नीचे ऐसा सच्चा लोअर वैली लेवल पे स्पॉट किया गया अच्छा श्रेया मैम ने बोला हाँ श्रेया मैम इज अ गुड फ्रेंड तो इसके बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी आपको नोट्स मिल जाएंगे डोंट नीड एनीथिंग मतलब बाकी स्टूडेंट्स यार लाइव है आप उनसे भी पूछ सकते हो वो खुद ही जानते हैं इस चीज को एंड आई बीन टेकिंग दिस नाउ रेगुलरली विदाउट अ ब्रेक फ्रॉम ऑगस्ट ट्वेंटी बाकी नेस्कॉम ने लॉन्च किया है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट ए आई लेट इनोवेशन इन इंडिया सेट टू लॉन्च दिस गेम प्रोग्राम तो एक कोलाब्रेशन होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंड द एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड इन कोबेशन टू डेवलप एंड प्रमोट ए आई गेम चेंजर्स सकॉम के अगर हम बारे में बात करें तो यह है नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोके बेसिकली प्रेशर ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था 1988 में बाकी पाकिस्तान नीड्स टू मीट लेसलेमार्क आपको याद होगा अभी तक ये ग्रे लिस्ट में मेंटेन करके रखा हुआ इन्हें तो इन्हें जो चेंजेस करने हैं अपनी पॉलिसी में उसको लाने के लिए इनको लॉ पास करना पड़ेगा बहुत सारे चेंजेस इनको करने पड़ेंगे ताकि टेररिस्ट फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर सके तो पेरिस बेस्ड ग्रुपिंग है ऑर्गेनाइजेशन है एफ ए टी एफ उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ जून दो हजार अट्ठारह से और तब से इनको बोला हुआ है कि आप जो है अपने नॉर्म्स को फुलफिल करो कोविड की वजह से थोड़ा इनको रिलैक्सेशन मिल गया था एक्सटेंड कर दी गई थी डेडलाइन बट अब नहीं होगी तो इसमें मेन चीज इनको करनी है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकनी है प्रोसिक्यूशन ऑफ टारगेट पर्सन एंड एंटिटीज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन एंड ऑल्सो रिजल्टिंग इन इफेक्टिव प्रपोर्शन एंड डिसोवेसिव सैंक्शंस इसके लिए इन्हें लॉ स्ट्रिक करने पड़ेंगे अपने और प्रॉब्बली इनको लॉ अमेंड करने पड़े अपने सिस्टम को और ज्यादा कह सकते हो तो आप स्ट्रिक करने के लिए या फिर और इफेक्टिव बनाने के लिए बाकी एक्सपोर्ट लगभग पॉइंट टू फाइव परसेंट डिफ कर गया आफ्टर राइजिंग फॉर टू मंथ्स इंपोर्ट बढ़ गए हैं क्योंकि अब एज यू नो इकॉनमी इज ग्रोइंग और अच्छी चीज है हमारी इकॉनमी रिकवर कर रही है तो अभी एक्सपोर्ट थोड़े से फिर से गिरे हैं और इंपोर्ट फिर से बढ़ना चालू हो गया है बिगेस्ट सर्ज इन एक्सपोर्ट वॉज रिकॉर्डेड एन सीरियल फॉलोड बाय ऑयल मिल्स एंड आयरन और पेट्रोलियम का जो एक्सपोर्ट है वो फेल हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि पहले क्रूड हम रिफाइन करेंगे फिर उसको हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं इवन जेम्स एंड ज्वेली रिकॉर्डेड लोअर ग्रोथ रेट बाकी अगर इंडियन फर्म्स जो है या दे आर यूजिंग फॉरन सॉफ्टवेयर तो हमें टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बोला दै द टैक्स डिडक्टेबल सोर्स इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनीज फॉर द अमाउंट पेड टू फॉरन सॉफ्टेयर मैनुफैक्चर री यूज और री सेल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो रिसेंटली एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें आई बी एम इंडिया सास्किन कम्युनिकेशन आता इन्फॉर्मेशन था तो अगर आप फॉरन सॉफ्टवेयर यूज हो, तो इंडियन कंपनी को टी डीएस पे करने की जरूरत नहीं उसको लेकर बस एक इंफॉर्मेशन थी तो आपको बताना चाहिए बाकी एज यू नो इंडिया की बिलियनियर लिस्ट आई सो अंबानी बिलियनर लिस्ट विन डॉलर ऑफ अर्थ एंड इंडिया एडिट फिफ्टी फाइव न्यू बिलियनियर्स मोर देनियर एवरी वीक इन 2020. सोचो so, कोविड में हर हफ्ते नया बिलियनर एड हुआ बिलियन डॉलर टू बिकम द योर जेफ बीज़ोस एंड देन यू है मर्चिंग एल वी एम एच बोलते हैं उसको दे ओन दीज हाई फाइव ब्रांड्सो बर्बरी ऑल ऑफ दीज ब्रांड्स उसका नाम है लुई मर्चेंडाइजिंग हाउस सो दे वन ऑफ़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स इन द वर्ल्ड दे ओन इट उनका पूरा ग्रुप है सो लो एल वी एम एच मोए हैनी लुई वितोम ग्रुप वो जो थे वो नेक्स्ट थे बिल गेट्स मार्ग ऑल ऑफ दिस पीपल अदैट तो इंडिया में आप देखोगे हर एक हफ्ते एक नया बिल ऐड हुआ है बाकी एक इंडोनेशिया में बड़ी रेयर बर्ड स्पीशीज स्पॉट की गई है आफ्टर 170 सेवेंटी ईयर्स अ लॉस बर्ड वॉज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ इंडोनेशियन बोर्नियो तो ये बोर्नियन आइलैंड है यहाँ पे मिली है तो दिस इज बेसिकली अ ब्लैक ब्राउन बैबलर बर्ड और बहुत छोटी सी मतलब ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ रुपी नो मतलब उनका जो नोट है करेंसी नोट है उसके बराबर है तो इट वॉज स्पॉटेड एंड कैप्चर्ड अलाइव बाई टू लोकल रेजिडेंट इन द साउथ सदर्न ईस्टर्न काली मंथन प्रोविंस जो बोर्नियो आइलैंड का पार्ट है तो इसको फाइंडिंग को रिपोर्ट किया गया जो बस इतना ही जाना जरूरी है इसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है सोशल so की क्लासेज एड होगी आई एव टॉक टू द टीम मोर लेक्चर देर वॉर सम इशू रिगार्डिंग दैट बट बीन फाइनली सॉर्डेड आउट बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि माई क्लासेस आर ऑलरेडी शेड्यूल्ड इन जीएस सो द्लासेस रिड्यूस दट टू इंक्रीज द क्लासेज इन ऑप्शनल तो वो थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है टीम को एडवांस बट दट दट देर डूंग नो वर इज अबाउट इट चलिए तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही है फटाफट से आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर कि इसमें क्या होने वाला है आपका एम सी क्यू जो है आपका कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ सेल्फ फाइंडिंग सेल्फ फंडिंग स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द यू एन एंड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द वीपो एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सपोर्ट सेंटर्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ वीपो टू सपोर्ट इनोवेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज दिव्याशु ऑफकोर्स द प्राइवेट सेक्टर इज अंडर अ लॉट ऑफ थ्रेट स्पेशली इन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करो बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट हेज हैपन इन कोविड सो आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ मतलब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट कॉलेज को सस्टेन करने में डिफिकल्टी तो होगी दैट इज गोना बी देर करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ वीपो के बारे में क्योंकि वो यूएन का पार्ट है ठीक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी यही निकालते हैं एंड टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन सपोर्ट सेंटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ टू सपोर्ट इनोवेटर्स इन डेवलपिंग कंट्री शिवानी जी सवा दस से लगभग आज थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज पेंटिंग एंड ऑल गोइंग ऑन जनरली टेन फिफ्टीन टू ट्वेंट ट्वेंटी के आसपास स्टार्ट होती है सवा दस तक जनरली चालू हो जाती है दो दिन से कॉन्टेंट बहुत ज्यादा है तो टाइम लग जाता है अरेंज करने में Savadasa or maximum 11. Next question is regarding the Information Technology Intermediaries Guidelines, Digital Media Ethics Code Rules 21. So, significant social media intermediaries are to enable identification of the first originator of information for investigation authorities. And the Central Board of Film Certification will classify the content on OTT platforms into age based categories one, two, both, and none. करेक्ट आंसर इज ए ओनली ठीक है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उनका कोई काम नहीं है इसमें इसको सर्टिफाई करना ओटीटी को बेसिस पे सो so ओटीटी के लिए अलग से बनाया गया उसमें CBFC का कोई लेन देना नहीं है सीबीएफसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उनका इससे कोई मतलब नहीं है तो ए ओनली इज द करेक्ट आंसर दोनों नहीं है जो रूल्स है उसमें सरकार ने बताया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का इट हैज नथिंग डूड विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ठीक है चलिए बाकी कॉम्बैट है सात मार्च को भूलिएगा मत यू कैन यूज द कोड डीप टू सेवन और डीपीएस लाइव आप यूज कर सकते हो फॉर एनरोलिंग इन दिस बाकी यू कैन गेट द नोट्स ऑन टेलीग्राम चैनल दिपांशु ऑफिशियल है यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड एंड दैट्स इट फॉर टूडे एंड आई होप कुछ नई चीज सीखने को मिली आपको डू नॉट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो आज होगी स्पेशल क्लास आठ बजे एग्रीकल्चर की क्लासे टू नाइट एट एट पी एग्रीकल्चरल so, टॉपिक शंकर आई संपूर्ण पर्यावरण का जो नेक्स्ट सीरीज है टुडे 8 पीएम वी हैव स्पेशल क्लास ऑन शंकर आई एग्रीकल्चर सीरीज कल नहीं ले पाया था बिकॉज ऑफ द मीटिंग यू नो सो थैंक यू सो मच अवीवानव अ गुड डे हैपी बर्थडे वन सेकेंड टू ऑल दीपल जिनकी आज बर्थडे है बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से मैं आप लोग को मिलूंगा बारह बजे प्लस क्लास के लिए फॉर दी